नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे अनलॉक 3 के बारे में। अनलॉक 3 में क्या चीज ओपन रहेगा, क्या क्लोज रहेगा, साथ ही साथ हम पीवीआर और आइनोक्स दोनों शेयर के बारे में बात करेंगे। आपको बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत ही बेहतरीन शेयर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाय करते हैं तो बहुत ही वैल्यू बाइंग होगा, क्योंकि अभी आपको बहुत ही चीप वैल्यू मिल रहा है। 50% डिस्काउंट अभी भी ये शेयर मिल रहा है। अगर और लॉकडाउन इसके लिए इफेक्टेड रहता है, मतलब इफेक्ट डालता है इस पे, तो और भी आपको करेक्शन वाले प्राइस पर मिल सकता है। तो चलिए वीडियो में इन दोनों शेयर के बारे में और अनलॉक 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा पीवीआर और आइनोक्स दोनों में से आप कौन सा शेयर को अधिक पसंद करते हैं। तो पहले वीडियो पूरा देख लेना है, फिर आपको बताना है पीवीआर और आइनोक्स दोनों शेयर में आप किस शेयर को ज्यादा प्रीफर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। आप अपना पसंद कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यहाँ पर देखिए अनलॉक 3 जो कि 1 अगस्त से होगा। अनलॉक थ्री में आपको 1 अगस्त इफेक्ट में जो आएगा उसमें कई सारी एक्टिविटी जैसे योगा हो गया, जिम हो गया, इसको अलाउ कर दिया गया है। कहाँ से? 5 अगस्त से जिम और योगा ये अलाउ होगा, लेकिन वहाँ पर जो होगा आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर इसको फॉलो करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कोरोना वायरस का फैलाव ना हो। अनलॉक 3 में आपको इंटरनेशनल ट्रेवल जो अलाउ होगा वंदे भारत मिशन के तहत, और इंडिपेंडेंस डे अलाउड है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जब आप इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो एक्टिविटी अलाउ नहीं है, जो एक्टिविटी अलाउ है उसके बारे में आपने जाना। तो मेट्रो रेल अलाउ नहीं है, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बस, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सिमिलर प्लेसेस, मतलब जहाँ पे भीड़ जमा होती है वो अलाउड नहीं है। तो जिम अलाउ है, योगा अलाउ है, क्योंकि यहाँ पर आप एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वो अलाउ है। लेकिन जो भीड़ जमा होती है सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, ये सब अलाउ नहीं है। साथ ही साथ किसी भी तरह का सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट, ये सारे फंक्शंस जो है अलाउ नहीं है। अब बात करते हैं कंटेनमेंट जोन। जो कंटेनमेंट जोन है उसमें लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, और जो नॉन कंटेनमेंट जोन है, मतलब कंटेनमेंट जोन से बाहर है, उसे बहुत सारे मतलब छूट दिए गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो अब वहाँ पे चालू कर दी जाएगी। तो ये था ब्रीफ अनलॉक 3 के बारे में। एक छोटे से संक्षेप में हमने अनलॉक 3 को जाना कि क्या चीज़ अलाउ होगा, क्या चीज़ अलाउ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है, स्टेट गवर्नमेंट अपना निर्णय ले सकती है कि क्या चीज़ ओपन रखना है, क्या चीज़ नहीं ओपन रखना है। ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो जो चीज़ रखना चाहते हैं तो वो क्लोज रखें, जो चीज़ नहीं रखना चाहते क्लोज उसे ओपन रखें। अब हम बात करेंगे पीवीआर और आइनोक्स के शेयर के बारे में। तो ये शेयर आप देखते हैं तो 1 महीना में काफी रैली दिखेगा, देख सकते हैं जो मार्केट हमारा रैली किया, साथ साथ ये सारे शेयर भी पीवीआर और आइनोक्स भी रैली दिखाया। आप 6 मंथ में देखेंगे तो ये शेयर 2000 के प्राइस से भी ऊपर हुआ करता था, और अभी आपको मिल रहा है 50% के डिस्काउंट पर 1134 रुपीज, क्योंकि ये 2100 के आसपास था, तो 50% डिस्काउंट पे आपको स्टॉक मिल रहा है। अगर 2-4 महीने आप और वेट करते हैं तो और नीचे के करेक्शन के प्राइस पर आपको ये मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होने वाला। अभी आप देखते हैं सारी सिचुएशन हमारी चारों तरफ काफ़ी ख़राब है, तो सिचुएशन बदतर ही है। तो सिचुएशन जब तक सही नहीं हो जाता, जब तक हम कोरोना वायरस के वैक्सीन ना लेते हैं, चाहे कोई भी दवाई एंटीडॉट हमें नहीं मिल जाता है, तब तक ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जमा होगा जिससे फैलाव ज़्यादा होगा, तो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होगा। अगर आप मैक्सिमम ईयर में चार्ट देखें तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट है, इस तरह के चार्ट को ही पसंद करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स जो गिरावट से पहले 2176 का रिटर्न दे रहा था मात्र 10 साल के अंदर, देखते हैं 2009 से 2019 तक, और अभी देखिएगा तो अभी काफ़ी रिटर्न घट चुका, मात्र 1100 पर आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट पे आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को आपको फ़ायदा लेना है, मतलब वैल्यू बाइंग करना है। तो वैल्यू बाइंग होता है जो इंटरेस्टिव प्राइस है उससे नीचे के प्राइस पर किसी भी स्टॉक को बाय करना। तो जो छोटे छोटे शब्द है धीरे धीरे आप सीख जाएंगे वैल्यू बाइंग क्या होता है। एक ग्रोथ बाइंग होता है कि कोई भी प्राइस है हम स्टॉक को बाय कर ले, किसके लिए? ग्रोथ के लिए।
तो बहुत सारे स्टॉक अभी देखते होंगे 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई बना रहा है, उसमें हम बाइंग करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ बाइंग। और जो स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है उसमें बाइंग करेंगे तो वैल्यू बाइंग। तो ग्रोथ बाइंग वैल्यू बाइंग दो तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग होता है, तो इन बातों को आपको धीरे धीरे सीखते जाना है। अब हम बात करते हैं आइनोक्स का। तो आइनोक्स भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, पीवीआर भी बेहतरीन है, आइनोक्स भी बेहतरीन है। आइनोक्स में देख लीजिए आप लॉन्ग टर्म में कितना बेहतरीन चार्ट है। इसका जो प्राइस था 52 वीक हाई, तो इसका भी प्राइस देखिएगा 487 था और डायरेक्ट आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। 511 हाईएस्ट प्राइस है और 255 ये आपको डायरेक्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। इधर कई दिनों से इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आया था, अगर आप देखें वन मंथ में दिखाते हैं आपको चार्ट, तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी 223 से लेकर के यहाँ तो 255 तक एक ही दिन में रैली आ गया था। यहाँ से आप देखते हैं एक ही दिन में 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ का इसमें तेज़ी देखने मिला था, उसके बाद फिर से इसमें करेक्शन आया। तो आप इसमें जो अनलॉक 3 है, इसी का मतलब अनलॉक 3 में जो आशा था कि बहुत सारे सिनेमा हॉल्स को खोलने के लिए दिया जाएगा, इसी आशा में इसमें काफ़ी तेज़ी रैली आया था। लेकिन अब जो अनलॉक 3 आया इसमें भी ओपन नहीं हो पाएगा जो सिनेमा हॉल्स हैं, मतलब जो मूवी थिएटर है, तो इसी कारण इसमें आपको फिर से करेक्शन देखने मिल सकता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब कल से मार्केट ओपन होगा तो आपको इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। अब बात करते हैं आपको किस लेवल पर बाई करनी चाहिए। तो जो भी पीवीआर और आइनोक्स का लेवल है अभी 50% डिस्काउंट पर, वैल्यू बाइंग आप इजिली कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से रिकवर करेगा। जैसे मूवी हॉल सिनेमा हॉल जैसे पीवीआर और आइनोक्स को खोलता है तो ये काफ़ी तेज़ी से रिकवर करेगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं। चेंज क्या है? सिचुएशन का, जो अभी का सिचुएशन है वो इफेक्ट डाला है कंपनी का। जो बिजनेस है, जो सर्विसेस है वो बंद है, तो जैसे ओपन होता है तो सर्विसेज चालू, कंपनी के प्रॉफिट चालू, तो फिर से प्राइस जो है शेयर का काफ़ी तेज़ी से रिकवर करेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स तो उतने ही स्ट्रॉन्ग है। तो जिस कंपनी के फंडामेंटल्स खराब होते हैं तो उसके शेयर के प्राइस में वो अनलॉक होने के बाद, खुलने के बाद भी उसके शेयर के प्राइस में आपको गिरावट देखने मिलेगा। जैसे में स्पाइस जेट कंपनी काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, तो वो जो ये लॉकडाउन है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालेगा, कंपनी पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है उस डेब्ट के कारण, क्योंकि प्रॉफिट तो आ नहीं रही है, तो डेब्ट कैसे कम करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा कि आपको पीवीआर और आइनोक्स में क्या करना चाहिए। आप अपना व्यू जरूर कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि आपको पीवीआर और आइनोक्स में किस में सबसे ज़्यादा वैल्यू बाइंग दिखता है, कि आपको किस में वैल्यू बाइंग करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप देखते हैं शेयर बहुत कम कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।